जानना अचानक तो हो नहीं पाता है, बल्कि एक क्रमिक तरीके से धीमे धीमे होता है। तो हम एक साथ तो समझ नहीं पाते हैं, वो धीमे धीमे समझ पाते, तो हम पूर्ण रूप से समझ में आ गया है, इसका निर्णय हम कैसे करें? या उसका प्रमाण हमें मिलता है। तो अगर कोई बात हमें समझ में आ गई तो उसका प्रमाण हमें मिलता है। पहला प्रमाण हमें स्वयं में मिलता है। तो यदि हमें बात समझ में आई है, यानी जो जानने की क्रियाएं हैं, चिंतन, बोध, अनुभव, उसमें किसी क्रिया में अगर कोई उपलब्धि हुई है, जागृति हुई है, तो उसका प्रमाण सबसे पहले कल्पनाशीलता में ही मिलेगा। कल्पनाशीलता में अब उस वस्तु को लेकर, उस को लेकर हमारे अंदर कोई शंका भाव नहीं रहा, जी हमारे अंदर उसको लेकर कोई रहस्य नहीं रहा। यह हमें स्वयं में दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि आगे अब मैं जो भी निर्णय लेता हूँ उसी भाव के आधार पर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे दिख जाए कि मैं और शरीर अलग अलग है, तो अब मेरे अंदर कभी इस बात को लेकर कोई शंका नहीं होगी कि शरीर बराबर मैं। मेरे अंदर जो भी निर्णय होंगे उसमें ये समझ शामिल होगा कि मैं और शरीर तो अलग अलग वास्तविकता है। तो पहला प्रमाण हमें स्वयं अपनी कल्पनाशीलता में मिलता है। फिर दूसरा प्रमाण जी हमें उसका व्यवहार में मिलता है। हम व्यवहार करते हैं, दूसरे को भी मैं के रूप में पहचान पाते हैं और उसके भी शरीर को साधन के रूप में देख पाते हैं। और फिर हमें उसके आगे अगर जाए तो कार्य में और भागीदारी भी मिलता है, तो प्रमाण मिलता है उसका हमें। इस तरह समझ में आता है कि हमें बात समझ में आई है या हमने मान भर लिया है। हाँ जी जी जी, और दिखना तो स्वयं में होना है, तो जब दिखता है तो पता चल ही जाता है कि हाँ दिखा। जब तक नहीं दिखा रहा तो पता नहीं चलता।